नमस्कार ऑलराइट चैनल से मैं अमरीन झा। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने एक रिश्वत मामले में एक सीमा शुल्क अधीक्षक और एक सीमा शुल्क निरीक्षक को गिरफ्तार किया है। एक अधीक्षक सीमा शुल्क रोकथाम के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। एक निरीक्षक रोकथाम और एक हवलदार सीमा शुल्क आयुक्तालय हैदराबाद ने एक शिकायत पर आरोप लगाया कि आरोपी ने शिकायतकर्ता से अपने जमानत आदेश को रद्द नहीं करने और उसे गिरफ्तार नहीं करने के लिए 20,000 रुपये की रिश्वत की मांग की थी। बाद में रिश्वत को घटाकर 10,000 रुपये कर दिया गया। यह आगे आरोप लगाया गया था कि शिकायतकर्ता को पहले सोने की तस्करी के एक सीमा शुल्क मामले में गिरफ्तार किया गया था और बाद में इस शर्त के साथ जमानत मिली कि वो हर दूसरे और चौथे सोमवार को सीमा शुल्क कार्यालय के सामने पेश होगा और एक रजिस्टर में हस्ताक्षर करेगा। CBI ने जाल बिछाकर आरोपी को शिकायतकर्ता से 10,000 रुपये की रिश्वत मांगते और स्वीकार करते हुए पकड़ लिया। आरोपी के कार्यालय और आवासीय परिसरों में हैदराबाद सहित 4 स्थानों पर तलाशी ली गई, जिसमें कुछ दस्तावेज बरामद हुए। गिरफ्तार आरोपियों को CBI मामलों के प्रधान विशेष न्यायाधीश हैदराबाद के समक्ष पेश किया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बरेली से मोहम्मद शिराज खान की रिपोर्ट।